नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। कंगना रनौत एक बार फिर से चर्चा में हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी भी अब नाराज है। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया, जिसके बाद कांग्रेस भी हमलावर है और बीजेपी बयान से किनारा करती हुई नजर आई है। रिपोर्ट में देखिए आप। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर चर्चा में हैं। कंगना के एक बयान को लेकर विवाद हो गया है। कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत को भी बांग्लादेश बनाने की साजिश थी। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप और हत्याएं हो रही थी। किसान बिल को वापस ले लिया गया, वरना उपद्रवियों की लंबी प्लानिंग थी। वो देश में कुछ भी कर सकते थे। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ भी होने में देर नहीं लगती, क्योंकि इसके पीछे चीन अमेरिका जैसे देशों का हाथ था। कंगना रनौत के इस बयान का विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना था कि कंगना रनौत ने देश के किसानों का अपमान किया है, तो आम आदमी पार्टी ने भी कहा बीजेपी अन्नदाता से नफरत करती है। कंगना रनौत का यह बयान बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आखिर बीजेपी को देश के अन्नदाता से इतनी नफरत क्यों है। हालांकि बीजेपी ने कंगना रनौत के इस बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी ने इसे लेकर एक स्टेटमेंट भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि कंगना रनौत का यह बयान पार्टी की राय नहीं है, ये उनका निजी मत है। पार्टी की तरफ से बीजेपी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए कंगना रनौत को ना तो अनुमति है, ना ही वो इसके लिए अधिकृत है। कंगना रनौत को यह भी निर्देश दिया गया है कि भविष्य में इस तरह के बयान ना दें। मतलब बीजेपी ने इस बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाना बना रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हरियाणा के किसान बीजेपी को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस ने कंगना रनौत को पार्टी से निकालने की भी मांग की है। कंगना रनौत ने कल कहा कि किसान आंदोलन के जो किसान थे उनको बलात्कारी और हत्यारा बताने का काम किया। इस देश के अन्नदाताओं के खिलाफ ऐसे शब्द शायद ही किसी राजनेता ने इस देश के लंबे इतिहास में कभी बोले हों। वहां पर इनका कहना है कि ये अमरीकी और चीनी शक्तियां ऐसा कर रही थी। अमेरिका और चीन हमारे देश में दखलंदाजी कर रहा था, अस्थिरता पैदा कर रहा था किसान आंदोलन करा के। अगर ये उनका मत नहीं है, अगर आपकी पार्टी का ये मत नहीं है, तो निकाल बाहर करिए ऐसे सांसद को। कंगना के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोल रही है। हालांकि बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया है और कंगना को फटकार भी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8। छब्बीस अगस्त की तारीख व्लादिमीर पुतिन हमेशा याद रखेंगे। 26 अगस्त की सुबह रूस पर ऐसा हमला हुआ जिसके बारे में जानकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी टेंशन में आ गए। जेलेंस्की के एक सीक्रेट ड्रोन ने रूस पर हमला किया, जिसके बाद पुतिन ने यूक्रेन पर चौतरफा अटैक करने का ऑर्डर जारी किया। क्या ये तस्वीरें आपको याद हैं? अमेरिका ने ऐसी दहशत पहले कभी नहीं देखी थी। सुपर पावर को हिलाने वाला ये हमला, इसके वीडियो आज भी अमेरिका जैसे ताकतवर देश को झकझोर देते हैं। ये दहशत, ये आतंक, ये तस्वीरें ही ऐसी थी जिसने पूरी दुनिया को बताया था कि आतंकवाद कितना बड़ा खतरा है। तेईस साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो हुआ अब वैसा ही कुछ पुतिन के देश में हुआ है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस। रूस में वही हुआ जो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में करके दिखाया था। अब यही काम जेलेंस्की की ड्रोन फोर्स ने करके साबित किया है कि वो रूस के अंदर घुसकर मारने की ताकत रखता है।
ये तस्वीरें ही पुतिन को बहुत बड़ा मैसेज है। ज़ेलेंस्की बता रहे हैं कि जिस तरह 11 सितंबर 2001 को दो विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराए थे, 26 अगस्त 2024 को वैसा ही हमला उनकी सेना भी कर सकती है। और इस ड्रोन ने रूस के सारातोव में इस रिहायशी टावर में क्रैश होकर क्रेमलिन तक मैसेज पहुंचा दिया है। रूस के सारातोव में क्या हुआ, ये ड्रोन कहां से आया और कैसे अटैक किया, कितना नुकसान हुआ और पुतिन को ज़ेलेंस्की ने क्या खूनी संदेश दिया है, इसे समझने की जरूरत है। यूक्रेन से उड़कर ज़ेलेंस्की का ड्रोन रूस के सारातोव शहर में पहुंचा। ये ड्रोन इस रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया और फिर बड़ा धमाका हुआ। एक बार फिर देखिए कि किस तेजी से ये ड्रोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और फिर सारातोव में हुआ हमला ऐसा था कि 38 मंजिला बिल्डिंग के 3 फ्लोर को नुकसान पहुंचा है। इस हमले के बाद बिल्डिंग के नीचे नुकसान देखा जा सकता है, मलबा बहुत गिरा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई, पैनिक ऐसा मचा कि सारातोव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, आसपास से फ्लाइट का गुजरना रोक दिया गया। ठीक इसी वक्त एक ड्रोन एंगल्स एयरफील्ड के पास एक इमारत की छत से जा टकराया। ये भी यूक्रेन का ही ड्रोन था जिसके निशाने पर एंगल्स एयरबेस था। यूक्रेन ने रूस के ऊपर ऐसे 11 ड्रोन से हमला किया था। रूस ने 9 ड्रोन अपने एयर डिफेंस से मार गिराए, लेकिन 2 रूस के अंदर अटैक करने में कामयाब रहे। इस हमले के बाद पुतिन की तरफ से क्या बयान आया, ये ज़ेलेंस्की और बाइडन दोनों को डराने के लिए काफी है। यूक्रेन से बातचीत की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, इसका कोई महत्व अब नहीं बचा है। इन 2 हमलों से पुतिन को बहुत बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। ज़ेलेंस्की ने साबित किया है कि उनकी फौज रूस के अंदर घुसकर मारने की ताकत रखती है और उन्होंने एक बार फिर इस बात को साबित किया है। इन दोनों हमले के बाद पुतिन पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और इसका जवाब भी पुतिन ने कीव पर ताबड़तोड़ हमलों से दिया। कीव समेत कई शहर रूस के हमलों से दहल गए। पुतिन के गुस्से वाले मीटर की सुई लाल सिग्नल देने लगी। आप कह सकते हैं कि पुतिन का अटैक मीटर लाल सिग्नल दे रहा था। पुतिन ने सारातोव में हुए हमले के बाद अपनी वॉर बैटरी फुल रिचार्ज की और बता दिया कि रूस वक्त आने पर कैसा जवाबी हमला करता है। गुजरात के गांधीनगर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो चले। एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद संत सरोवर डैम के 5 गेट खोल दिए गए हैं। तो ये गुजरात से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन में बताते चले कि बांध के जो गेट हैं, डैम के गेट, वो खोलने पड़ गए क्योंकि पानी की जो आवक है वो बांध में हद से ज्यादा हो चुकी थी और क्षमता से ज्यादा जब पानी उसमें भर गया तो उसकी वजह से प्रशासन को बताया जा रहा है कि डैम के गेट खोलने पड़े और इसी के साथ निचले इलाकों में पानी ना भरे इसके लिए तमाम तरीके की वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो वहाँ पर जाने से बचें। और बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से। वहां पर मड़ी महेश यात्रा में जन्माष्टमी के छोटे स्नान के बाद वापस आ रहे कई श्रद्धालु नाले में आए उफान की वजह से फंस गए हैं। बड़ी खबर है, बताते चले कि हिमाचल प्रदेश के चंबा से इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वहां से डरा देने वाली तस्वीरें ये हैं। उनमें कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले के बीच में फंसे हुए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव चेन बनाई, मानव श्रृंखला बनाई और नाले को पार करने की कोशिश वहां पर ही करते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले और उनकी मदद से नाला पार किया। बताया गया कि बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से न जाने से मना किया था, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बिना नाले को पार कर लिया।
और उधर यूपी के सोनभद्र से भारी बारिश के बाद बाढ़ की ऐसी डरावनी तस्वीरें आई हैं, जिसने भी देखा वो दहशत में आ गया। वहां भारी बारिश के बाद पानी सड़कों के ऊपर से बहने लगा। नदी में इतना पानी भर गया कि सड़कें ही पानी में डूब चुकी हैं, जबकि नदी के किनारे बने मकानों पर भी अब खतरा मंडराने लगा। बताया गया है कि वहां कर्मा इलाके में एक पुल भी बह गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क अब मुख्यालय से टूट चुका है। साथ ही कई गाड़ियां भी सड़कों पर फंसी हुई है। और उधर उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारों पर मौजूद कई मंदिर पानी में डूबे हुए दिखाई दिए। नदी की लहरें इतनी तेज बहती हुई दिखाई दी कि आसपास रहने वाले लोग भी सहम गए, जबकि लगातार बढ़ते पानी से किनारों पर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा। श्रीनगर में नदी की तेज लहरों के बीच एक मंदिर भी डूबा हुआ दिखाई दिया है, ऐसी जानकारी है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि लोग जो हैं वो डर के साए में। और उधर गुजरात में भी कुछ ऐसा ही नजारा है, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को तेज बारिश का सबसे ज्यादा असर अहमदाबाद में दिखाई दिया। वहां पर 12 घंटे में 6 इंच बारिश दर्ज की गई। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर पानी भरने से लोग काफी परेशान दिखाई दिए। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में परेशानी हुई। तो गुजरात के अहमदाबाद के आनंद नगर रोड पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं, कई लोग तो अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए हैं। भारी बारिश की वजह से वहां पर हालात बहुत ज्यादा विकराल हैं। और अरवली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। अरवली में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया। हालात तो ये हो गए कि पानी लोगों के बेडरूम और किचन तक पहुंच गया। अरवली में लोगों का सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, घर गृहस्थी का सामान पानी में तैर रहा है। भारी बारिश के बाद के हालात से लोग काफी अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरवली के बाद अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे आणंद की। ये तस्वीरें आप गुजरात के आणंद से देख रहे हैं, जहां 8 इंच बारिश हुई है, जिसमें बोरसद के निचले इलाकों में पानी भर गया। बताया जा रहा है कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और गुजरात में जो प्रकृति है वो विकराल रूप धारण किए हुए है। बताया जा रहा है कि निचले इलाकों में पानी भर गया, कई सोसाइटी के घरों में पानी भर चुका है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात में इस वक्त बेहद परेशानी में लोग हैं, क्योंकि भारी बारिश जो है अपना विकराल रूप दिखा रही है। सूरत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सूरत में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। इस बीच सूरत प्रशासन की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची, ताकि लोगों को समय रहते मदद जो है वो मुहैया कराई जा सके, लोगों को परेशानी ना हो। इस वजह से वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई थी। तो गुजरात के सूरत से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बादल जो हैं वो अपना विकराल रूप दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से नदियां उफना गई हैं। गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ चुके हैं। कच्छ में पानी के तेज बहाव में करीब 17 भैंसे जो थी वो बहती हुई दिखाई दी हैं। कच्छ में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव में 17 भैंसे जो हैं वो बहती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश जो है उसने तबाही जो है वो मचा रखी है। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न होते हुए नजर आए हैं। ये सूरत से तस्वीरें आप देख रहे थे, कच्छ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब दिखाएंगे आपको तस्वीरें मोरबी की, जहां पर भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मोरबी में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं खिड़सरा गाँव में जलभराव से लोग परेशान दिखाई दिए। लोगों को एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ा। और इतना ही नहीं, सड़कों पर पानी भरा होने की वजह से लोगों को परेशानी भी देखने को मिली है। सड़क क्रॉस करने के दौरान भी गड्ढों की वजह से लोग काफी परेशान दिखाई दिए हैं। ऐसे में हालात जो हैं आम लोगों के लिए वहां पर काफी
विकट होते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात के मोरबी से ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर एक एक फुट पानी भरा हुआ है, जिससे वजह से राहगीरों को परेशानी हो रही है। और ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी से हैं। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम आगे, गुजरात में बारिश किस तरीके से कहर बनकर बरसी है वो हम आपको बताएंगे। वडोदरा में किस तरीके से पानी ने अपना विकराल रूप धारण कर रखा है, तस्वीरें आप देखिए। वडोदरा से जो तस्वीरें आई उसमें एक बस्ती पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है, नदी नाले उफान पर है। जहां तक नजर गई वहां चारों तरफ सिर्फ पानी नजर आया। बारिश के पानी में वडोदरा के कई इलाके डूबे नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। गुजरात के वडोदरा से तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक इलाका जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाने की कोशिश जो है प्रशासन के द्वारा की जा रही है, और इसी के साथ जो सुरक्षित स्थान है उन पर लोगों को पहुँचाया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की हताहत वहाँ पर ना हो। गुजरात के वडोदरा से तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे। तस्वीरें गुजरात के राजकोट से, जहाँ पर बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश के पानी में शहर का एक बड़ा हिस्सा डूब चुका है। जो तस्वीरें आई उसमें सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं। हालात ऐसे बने कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ रुक गई हैं, बल्कि कई गाड़ियां पानी में डूब चुकी हैं। राजकोट का मवड़ी और मेन इलाका पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। और ये तस्वीरें आपको अजमेर से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। आना सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया, पूरी सड़क पानी में डूब चुकी है। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक अब पहुंचने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अजमेर में भी बारिश जो है वो जमकर हो रही है। और ये तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से, देश के कई राज्य अभी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। तेज बारिश के बाद बिहार में गंगा नदी उफान पर आ गई। नदी के पास वाले इलाके में पानी जो है वो भर चुका है। नदी के पास वाले इलाके पानी में डूब गए। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव भी डूब गए। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी नजर आई, जिसके बाद कई गांवों का संपर्क जो है वो शहर से कट चुका है। जो लोग जरूरी काम से घर से निकले उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ऐसे हुए हैं कि नाव भी ओवरलोड दिखाई दी। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नाव के जरिए सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार के बेगूसराय से ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बारिश ने लोगों की परेशानी जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ा रखी है। बताया जा रहा है कि कई शहरों में बारिश जैसे हालात बन गए। नासिक से जो तस्वीरें आई हैं उसमें चारों तरफ पानी है। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया और इस पानी में पूरा मंदिर जो है वो डूब चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर आ गए और मंदिर जो है वो पानी में बिल्कुल डूब चुका है। सिर्फ मंदिर का शिखर जो है वो सिर्फ नजर आ रहा है। तो मानसून का सितम महाराष्ट्र में जो है वो लगातार जारी है, और ऐसा ही कुछ जो नजारा है वो छत्तीसगढ़ का भी देखने को मिला। जांजगीर चांपा में हुई बारिश के बाद मिनी माता बांगो बांध 95% तक भर चुका है। जानकारी यह है कि बांगो बांध के 6 गेट से 30,230 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ गया। हसदेव दर्री बैराज के 3 गेट से लगातार 22,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, लेकिन लोग बेखौफ होकर एनकेट पर घूमते हुए नजर आए। लापरवाही में बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो बहाव वाले क्षेत्र में जाने से बचें, लेकिन लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर जो रपट है उसे को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुरैना में उफनता रपटा पार करने की कोशिश करना एक बाइक सवार युवक को भारी पड़ गया। बाइक समेत रपटा पार करने की कोशिश कर रहा युवक पानी के तेज धार में बह गया। गनीमत हालांकि ये रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जान को बचा लिया। युवक के तेज धार में बहने और उसका रेस्क्यू करते ग्रामीणों का वीडियो वायरल हुआ। मामला अहरोली गांव का, जहां भारी बारिश के बाद क्वारी नदी पर बने रपटा के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके बाद पार करने के दौरान बताया जा रहा है वो फंस गया था वहां पर।
कोलकाता कांड पर छात्रों का मार्च देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग वहां पर छात्र कर रहे हैं। कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कॉलेज स्क्वायर से सचिवालय तक छात्रों का जो मार्च है वो देखा गया है। ये कोलकाता से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र जो है वो मार्च करते हुए नजर आए और इस दौरान छात्रों की तरफ से नारेबाजी की गई है। उनकी तरफ से ये का मांग की जा रही है कि जो ममता बनर्जी हैं वो अपना इस्तीफा सौंप दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कोलकाता में हुए रेप के बाद हत्या मामले को लेकर के लगातार लोग आक्रोशित हैं। और यहां लगते एक छोटे से ब्रेक का, आगे आपको दिखाएंगे हमारा राजस्थान।